ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप, समूह में अवयव की कोटि, इसके ऊपर देखते हैं। इसके पहले हम इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप, समूह में अवयव की पूर्णांकीय घात, इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि जी हमारे पास में एक ग्रुप है, तब ए बिलोंग्स टू जी, बाइनरी ऑपरेशन से ए कंपोजिशन ए बिलोंग्स टू जी, ए ए ए बिलोंग्स टू जी, और इसको एन बार ले लें, ए ए ए बिलोंग्स टू जी, दैट इज ए ए स्क्वायर ए क्यूब एंड सो ऑन ए एन, ऑल आर एलिमेंट्स इन ए ग्रुप जी। समूह जी में ए बिलोंग्स टू जी होने पर धनात्मक पूर्णांक एन ऐसा विद्यमान है कि ए की पावर वन इज इक्वल टू ए एंड ए एन कंपोजिशन ए इज इक्वल टू ए की पावर एन प्लस वन, ये हमारे पास में डेफिनेशन कहलाएगी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप। क्या है कि ए बिलोंग्स टू जी, एन इज एन पॉजिटिव इंटीजर, एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए की पावर वन इज इक्वल टू ए, और साथ में ए की पावर एन कंपोजिशन ए इज इक्वल टू ए की पावर एन प्लस वन। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ए की पावर वन होगा तो उसको ए लिखेंगे, और ए एन कंपोजिशन ए होगा तो ए एन प्लस वन लिख सकते हैं, बाई डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप। लॉ ऑफ इंडिसेस इन ए ग्रुप, जी ग्रुप में ए बिलोंग्स टू जी के लिए ए एम ए एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन, ए एम की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम एन, और अगर कंपोजिशन हमारे पास में प्लस है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ए की पावर वन नहीं होके ये हो जाएगा वन डॉट ए इज इक्वल टू ए, और ए रेस टू एन चेंज हो जाएगा एन ए के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप कंपोजिशन लगाएंगे तो ए प्लस ए यानी टू ए, ए प्लस ए प्लस ए यानी थ्री ए, और ये हो जाएगा ए प्लस एन बार एन ए, है ना, तो ए टू ए थ्री ए एन ए बिलोंग्स टू जी इफ़ द कंपोजिशन इज एडिशन, ऑर्डनरी एडिशन। सो ये आपका चेंज हो जाएगी डेफिनेशन, एन ए प्लस ए कंपोजिशन है इज इक्वल टू एन प्लस वन ए के बराबर, ठीक है। और यही चीज़ हम माइनस के ऊपर भी, ए बिलोंग्स टू जी, टू ए बिलोंग्स टू जी, एन ए बिलोंग्स टू जी, सो एम ए प्लस एन ए इज इक्वल टू एम प्लस एन ए। इसी प्रकार से ए बिलोंग्स टू जी, ए इनवर्स इज आल्सो इन जी, ए इनवर्स इन जी, दैट इज ए की पावर माइनस टू बिलोंग्स टू जी एंड सो ऑन, ए की पावर माइनस एन बिलोंग्स टू जी, सो वी हैव ए एम का इनवर्स इज इक्वल टू ए की पावर माइनस एम फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप, समूह में अवयव की कोटि। जी हमारे पास में समूह है, ए बिलोंग्स टू जी है, और एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर इस प्रकार से है कि ए की पावर एन इज इक्वल टू ई, तो अवयव ए की कोटि परिमित कहलाती है, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू फाइनाइट, इसको लिखने का तरीका इस प्रकार से रहेगा। और यदि हमारे पास में एन धनात्मक न्यूनतम इंटीजर पूर्णांक इस प्रकार से है कि ए की पावर एन बराबर ई, तो अवयव ए की कोटि एन कहलाएगी, और ऐसे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एन, एन से ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम या बराबर ही रहेगा। जी इज ए ग्रुप, ए बिलोंग्स टू जी, इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए की पावर एन इज इक्वल टू ई, देन द ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, एंड व्हेन ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट एंड देयर एग्जिस्ट एन ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए रेस टू एन इज इक्वल टू ई, देन द ऑर्डर ऑफ ए विल बी एन, that is order of a is always less than equal to n, and if there exists no such positive integer n satisfying the above conditions, then we say that the order is infinite,
है ना, यदि हमारे पास में एन उपरोक्त प्रकार का कोई भी संभव नहीं हो तो अवयव की कोटि अपरिमित या शून्य कहलाती है। और अगर यही हमारे पास संक्रिया प्लस की लेंगे तो ए रेस टू एन की जगह हम यूज करेंगे एन ए इजिकल टू आइडेंटिटीज। प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, समूह में तस्मक अवयव की कोटि सदैव एक होती है और यही एकमात्र ऐसा अवयव है जिसकी कोटि वन होगी। द ऑर्डर ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज ऑलवेज वन एंड इट इज द ओनली एलिमेंट हैविंग ऑर्डर इक्वल टू वन। दो चीज़ें अपने को देखनी है, क्यों कि जी समूह है एंड लेट ई बिलोंग्स टू जी इज द आइडेंटिटी इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ई इज इक्वल टू वन, ठीक है ना। क्यों है, क्योंकि ई की पावर वन इज इक्वल टू ई बाई डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट एंड देयर फॉर ऑर्डर ऑफ ई इज इक्वल टू वन। ये हो गया ना, ए रेस टू एन बराबर ई, ए की जगह अवयव कौन है, ई है, उसकी पावर वन लेते हैं तो ई आ रहा है एंड देयर फॉर ऑर्डर ऑफ ई इज इक्वल टू वन, अर्थात तस्मक की कोटि वन है। अब दूसरी बात देखते हैं कि हमारे पास में तस्मक के अलावा किसी भी अवयव की कोटि वन नहीं हो सकती। तो इसके लिए, क्योंकि समूह जी में तस्मक के अतिरिक्त भी मान लेते हैं हमारे पास में ए एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के बराबर नहीं है लेकिन उसकी कोटि ई है, एक उसकी कोटि वन है। इसमें क्या ऐसा, हमारे अलजेब्रा के अंदर हम कभी कभी उल्टा चलेंगे इन थ्योरम्स में, काफ़ी जगह काम में लेंगे इस टेक्निक को। हम थ्योरम में हमको सिद्ध करना है कि तस्मक के अलावा किसी भी अवयव की कोटि वन नहीं हो सकती, तो हम क्या कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास तस्मक ई के अतिरिक्त भी एक अवयव ए जी में ऐसा है जिसकी कोटि वन है। जब ए की कोटि वन है, ऑर्डर ऑफ ए बराबर वन, देन बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ए रेस टू वन इज इक्वल टू ई, इम्प्लाइज इंटीग्रल पावर की डेफिनेशन से ए वन इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू ई, जबकि हमने क्या लिया है, ए इज नॉट इक्वल टू ई। सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन विद द फैक्ट दैट ए इज नॉट इक्वल टू ई एंड देयर फॉर वी विल से वी कांट टेक ए इज नॉट इक्वल टू ई, हम ए इज नॉट इक्वल टू ए ऐसा नहीं ले सकते, यानी तस्मक के अलावा किसी भी अवयव की कोटि एक नहीं हो सकती। एक थ्योरम और लेते हैं, ये भी अच्छी थ्योरम है, इम्पॉर्टेंट है। परिमित समूह जी के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है तथा समूह की कोटि से कम या बराबर होती है। ईच एलिमेंट इन ए ग्रुप वी हैव, ईच एलिमेंट इन ए फाइनाइट ग्रुप द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज फाइनाइट एंड इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, यानी जी एन कोटि का एक परिमित समूह है, तब जी में प्रत्येक अवयव ए के लिए देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए आर इज इक्वल टू ई। तो समूह के अंदर ऑर्डर ऑफ जी से क्या मतलब है कि हमारे पास जो ग्रुप है उसके अंदर अवयवों की संख्या, दैट इज ऑर्डर ऑफ जी, और ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ये अभी अपन ने ऊपर डिफाइन कर ही लिया है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए रेस टू एन इजिकल टू ई देन ऑर्डर ऑफ ए इजिकल टू एन। तो दोनों चीज़ें अपने को आती है अच्छी तरह से। क्योंकि जी हमारे पास फाइनाइट है, देयर फॉर ऑर्डर ऑफ जी इजिकल टू एन, परिमित समूह है इसलिए अवयव की संख्या जी के अंदर परिमित होगी, लेट इट इज एन, एंड एन कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर है। ए बिलोंग्स टू जी, सो वी हैव ए ए स्क्वायर ए क्यूब ए एन ऑल आर इन जी, क्यों, क्योंकि जी इज क्लोज्ड, जी समर्थ है, कंपोजिशन बाइनरी है, एंड दिस इम्प्लाइज ए रेस टू पावर जीरो विच इज इक्वल टू ई, क्यों, क्योंकि जब हमारे पास जी ग्रुप है तो ग्रुप में तस्मक अवयव भी
विद्यमान होगा, और जब तस्मक अवयव विद्यमान है तो E इज इक्वल टू ए रेस टू जीरो। तो यहाँ पर एक E अवयव और मिलेगा जो ए रेस टू जीरो के बराबर है। सो ए रेस टू जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए एन, ऑल आर एलिमेंट्स इन G। अब यहाँ पर हमने ऑर्डर ऑफ जी एन लिया है और ये यहाँ पर अवयवों की संख्या अब कितनी हो गई, एन प्लस वन जी के अंदर। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई दो अवयव ऐसे होंगे जी के अंदर जो सेम होने चाहिए, क्योंकि हमने ऑर्डर ऑफ जी बराबर एन लिया है और यहाँ पर अवयवों की संख्या जी के अंदर एन प्लस वन हो गई है, इसलिए जी में कोई दो अवयव समान होंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास में ये दो समान अवयव हैं ए आई बराबर ए जे, जहाँ जीरो इज लेस देन इक्वल टू आई लेस देन जे इज लेस देन इक्वल टू एन। यानी आई ए आई जो है आपका कौन हो सकता है, आई बराबर जीरो लेते आइडेंटिटी भी हो सकती है, और ए जे, जे की वैल्यू मैक्सिमम एन तक जा सकती है, एन भी हो सकता है। लास्ट वाला अवयव ये हो सकता है कि ई और ए बराबर हो, या ई और ए क्यूब बराबर हो, या ए और ए एन बराबर हो, या ए क्यूब और ए सिक्स बराबर हो, ठीक है ना। तो जनरल हो गया ए आई बराबर ए जे। ए आई हमारे पास में ग्रुप का मेंबर है, इसलिए ए की पावर माइनस आई भी हमारे पास जी में होगा। सो पोस्ट ऑपरेशन बाई ए की पावर माइनस आई, पोस्ट ऑपरेशन बाई ए माइनस आई, साफ कर देते हैं इसको थोड़ा सा, ए माइनस आई पोस्ट ऑपरेशन। पोस्ट ऑपरेशन इसलिए क्योंकि हम इसको बाद में ले रहे हैं, और ये क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। सो बाई डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स दिस इज ई एंड इक्वल टू ए जे ए माइनस आई। दिस इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू ए की पावर जे माइनस आई by definition of law of indices. Law of indices की definition, a raise to m, a raise to n is equal to a की power m plus n in a group, और a की power j minus i बराबर e, यहाँ से हम कह सकते हैं order of a is less than equal to j minus i by definition of order. क्यों, ऑर्डर की डेफिनेशन क्या कहती है कि देयर शुड एग्जिस्ट ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए रेस टू एन बराबर ई। तो यहाँ पर एन कैसा था, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ ऑर्डर ऑफ ए जो है वो जे माइनस आई से कम या बराबर होगा। जे माइनस आई की वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एन, क्योंकि जे की वैल्यू मैक्सिमम एन हो सकती है और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे जीरो आ सकती है। तो जे माइनस आई जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा एन हो सकता है, इसलिए जे माइनस आई की वैल्यू कैसी हो गई, लेस देन इक्वल टू एन, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एन, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, और यही हमको लाना था।